वहीं जनपद रुद्रप्रयाग मुख्यालय के संगम स्थल के निकट स्थित रुद्रनाथ मंदिर में चल रहे 11 दिवसीय शिव महापुराण और रामकथा का भक्तों की भारी भीड़ के साथ समापन हुआ। वहीं व्यास आचार्यों ने भक्तों को प्रसाद वितरण कर आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि रुद्रनाथ मंदिर में प्रतिदिन आचार्य दीपक नौटियाल ने शिव महापुराण कथा और महंत धर्मानंद रामकथा का सुंदर वर्णन कर भक्तों को सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। इस कथा का उद्देश्य है जन कल्याण, विश्व कल्याण और क्षेत्र की खुशहाली के लिए, और ये परंपरागत होता है जन्माष्टमी के दूसरे दिन यहाँ पर महंत जी के द्वारा कथाएँ होती हैं, और जो पहले के महंत जी भी थे उनके द्वारा भी होती हैं। तो अष्टादश महापुराण अंतर्गत जितने भी महापुराण हैं, कभी यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है और कभी शिवपुराण, कभी रामकथा, कभी देवी भागवत। तो इस बार परम सौभाग्य से रामचरितमानस और शिव महापुराण की कथा हुई है। ये मंदिर है महंत जी के द्वारा यहाँ पे 11 दिवसीय शिव पुराण और राम कथा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दूर दराज से भी लोग जो है कथा श्रवण के लिए यहाँ पर आए। और आज ये जो अनुष्ठान था वो यहाँ पर संपन्न हो गया है। आज ये यहाँ पर ये रुद्र क्षेत्र है, अलकनंदा मंदाकिनी के पवित्र तट पर रुद्र महादेव जी का महा मंदिर प्राचीन काल से है। यहाँ पर प्राचीन काल से जो है 100 साल से यहाँ पर कभी शिव पुराण की कथाएँ होती हैं, कभी श्रीमद् भागवत, कभी रामचरितमानस, कभी देवी महापुराण का जो है आयोजन किया जाता है।